एक सेकेंड sir, on the I actually rise to oppose the amendments to the motor vehicles bill. We have the I rise to oppose the amendments to the motor vehicles act. That is very important clauses to the bill that we seek to oppose. On 5C, you have increased the time limit of a license renewal from 1 month to 1 year after the expiry. This means that you will have people with an expired driving license driving for 1 year after the license has expired. This is detrimental to safety, to road safety, as well as to the lives of others, or maybe on the roads. The second thing that we have is the but we need to oppose the introduction. आप जवाब देना चाहते हैं? चर्चा के समय बात कर लेना। सर, सम्माननीय स्पीकर महोदय, मैडम मैं आपके सब सवालों का जवाब दूंगा। ये बिल पिछले लोकसभा के समय पास हुआ था, उसके बाद राज्यसभा में पास नहीं हो पाया। इस बिल के संदर्भ में ये जब तैयार हुआ तो सम्माननीय सदस्यों ने जो आपत्ति उठाई है, कुछ लोगों ने उठाई थी। उस समय यूनुस खान करके जो राजस्थान के ट्रांसपोर्ट मंत्री थे, उस समय के उनके अध्यक्षता में 18 ट्रांसपोर्ट मंत्री राज्यों के, उन्होंने इस बिल को जांचा और उन्हें रिकमेंड किए हुए बिल की कॉपी मुझे दी और वो मैंने भी पार्लियामेंट में पेश की। पार्लियामेंट में पेश करने के बाद दोनों सदनों के द्वारा आदेश हुआ। ये स्टैंडिंग कमेटी के पास भी गया और ज्वाइंट सिलेक्शन कमेटी के पास भी गया और दोनों कमेटी के रिपोर्ट के बाद फिर मैं राज्यसभा में गया और राज्यसभा में उस समय ये बिल पास नहीं हो पाया। वही सेम बिल आज मैं फिर से एक बार आप सदन में प्रस्तुत किया। मैं आपको एक ही निवेदन करना चाहता हूँ प्रोफेसर सर, आपको एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मुझे जानकारी है कि ये सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में है, ये सेंट्रल लिस्ट में नहीं है, ये कॉन्करेंट लिस्ट में है। तो कॉन्करेंट लिस्ट में होने के कारण इसमें इलेक्शन करने का अधिकार भारत सरकार को भी है, राज्य सरकार को भी है। पर इसमें से मैं आपसे सबसे पहले आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि जिसका आपने उल्लेख किया था उसमें जो स्टेट इसको करना चाहता है वही कर सकता है, जो नहीं करना चाहता है उसके ऊपर कोई बाइंडिंग नहीं, कोई मैंडेटरी नहीं है। हर चीज जो है किसी भी प्रकार में इस बिल के द्वारा स्टेट के कोई भी अधिकार हम लेना नहीं चाहते और कोई अधिकार का हस्तक्षेप भी करना नहीं चाहते। सम्माननीय सदस्य ने जो बात रखी, देखो नई गाड़ी खरीदने के बाद ये गाड़ी का नियम ऐसा है कि वो आरटीओ ऑफिस में ले जानी पड़ती है और वो गाड़ी देखने के बाद आरटीओ ठप्पा लगाकर फिर उस पर रजिस्टर करता है। अब मैं इसको उल्लेख बोलना नहीं चाहता कि गाड़ी ले जाने में और आने में क्या हो रहा है। तो हमने ये कहा कि डीलर उसका रजिस्टर करेगा और आरटीओ ऑफिस जो करेगा उतना पैसा उनके अकाउंट में जमा हो जाएगा। तो कोई हमने इसमें ये नहीं किया कि कोई अधिकार दिया है। दूसरी बात मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि पहली बात मैं सब चर्चा के लिए तैयार हूँ और आप जो भी बात ध्यान में देंगे सम्मानित सदस्य आप लाकर देंगे, ऐसा होगा उसको सुधार देंगे। डिटेल चर्चा के समय डिबेट कर लेंगे माननीय सदस्य। सर मैं आपको वही बता रहा हूँ, आपके 18 राज्यों के ट्रांसपोर्ट मंत्रियों ने स्वीकृति देने के बाद 18 राज्यों के ट्रांसपोर्ट मंत्रियों की स्वीकृति लेने के बाद उन्होंने तैयार करके सूचनाओं को स्वीकारते हुए बिल तैयार किया। फिर ज्वाइंट सिलेक्शन कमेटी और स्टैंडिंग कमेटी दोनों ने 6-6 महीने उसका स्क्रीनिंग किया। मैं थोड़ा सा एक बार फ्रस्ट्रेट भी हुआ हूँ क्योंकि जिसका उल्लेख आपने किया, हमारे यहाँ हर साल 1.5 लाख मौतें होती है और 5 लाख एक्सीडेंट